हमको राम मंदिर दिलाया है, हमको 10 लाख रुपया दिया है, 25 लाख नौकरी दी है, सफाई कराई है, सब कुछ कराया है। अकेला पंजाब की बात मत करो, पूरे इंडिया की बात करो। ये मुल्क को पीछे ले जा रहे हैं। जब मोदी साहब आए थे डॉलर का रेट था 59 रुपी, अब है 85। राजा ब्रिंग सीट लेके जाएगा लुधियाना की। पंजाब की जनता ने कांग्रेस को भी देख लिया, आप आम आदमी पार्टी को भी देख लिया, अकाली और भाजपा थी जब उसको भी देख लिया, और आप सिचुएशन को देखते हुए यही लगता है कि अब सीधा बीजेपी को ही वोट जाएगी। ऑल आर थीफ, बात समझो, ऑल आर चोर। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से एक है जी लुधियाना, और उसी लुधियाना में हम इस वक्त मौजूद हैं। खास बात देखिए, पिछले 3 संसदीय चुनावों से जो सीट कांग्रेस का गढ़ रही वो इस बार हॉट सीट बनी हुई है। वजह है कांग्रेस से हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए रवनीत सिंह बिट्टू और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा, इसके बीच इस बार तगड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के अशोक पाराशर भी इस बार पिछले विधानसभा चुनाव में मिले अपने पूरे समीकरण की बदौलत जीत की आस लगाए बैठे हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ के लोगों का चुनाव से पहले माहौल क्या है और मिजाज क्या है, तो सीधा लोगों से बातचीत करते हैं। क्या माहौल लग रहा है इस बार जी? सर ऐसे है, ये इंडिया की इकॉनमी की हालत वैसे ही ख़राब है, ये पॉलिटिशियन और ख़राब कर रहे हैं। नथिंग इज, दे आर डूइंग नथिंग प्रोडक्टिव। ये मुल्क को पीछे ले जा रहे हैं। जब मोदी साहब आए थे डॉलर का रेट था 59 रुपी, अब है 85। तो क्या उन्होंने अचीवमेंट की है? हिंदुस्तान में एक प्लग, इसका मोबाइल का चार्जर तो बना नहीं। मंदिर बनाने से पुजारी के चूल्हे जलेंगे, जनता के नहीं जलेंगे। यहाँ तो सेमीकंडक्टर चिप की फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं। नहीं, कोई इन्होंने पावर प्लांट लगाया, कोई फर्टिलाइजर प्लांट लगाया, कोई रिफाइनरी लगाई। अच्छा, लुधियाना में किन मुद्दों पर वोट पड़ेगा इस बार? ओ सर, मुद्दा ऑल आर थीफ, बात समझो, ऑल आर चोर, बस। अच्छा, हाँ, हम वोट डालेंगे नहीं। क्या कहेंगे आप? ठीक है जी, इलेक्शन हो रहा है। लुधियाना में किसका माहौल है? किसी का पक्का नहीं किया जा सकता जी, देखो किसका है। मतलब फाइट तीनों के बीच में है? हैं जी, फाइट तीनों के बीच में है। हाँ, तीनों के बीच में है जी, कड़ा मुकाबला है। अच्छा, आप किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे इस बार? विकास के मुद्दे होंगे, विकास के मुद्दे होंगे। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है इस बार? इंडिया अलायंस का माहौल है इस समय, इंडिया अलायंस का। यहाँ तो दोनों अलग अलग हैं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस। जब कांग्रेस का तो है ही है ना, बड़िंग साहब से आगे जाएंगे, नंबर वन पे जाएंगे मिस्टर बड़िंग। और आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे आएगी, दूसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी। हाँ, मतलब बीजेपी फाइट में नहीं है इस बार? पांचवें नंबर पे आएगी बीजेपी। हाँ, चौथे और तीसरे और चौथे पे कौन? अकाली आएगा, श्रोमणी अकाली दल भी है, एक दो पार्टी और भी तो है ना बीच में। आम आदमी पार्टी क्या लग रहा है? बीजेपी नंबर वन पंजाब में भी और इंडिया में भी। अच्छा, नाम से खुश हो या काम से खुश हो? दोनों से खुश है, दोनों से। काम भी, काम भी है, काम भी अच्छा हुआ। क्या लग रहा है, कैसा मुकाबला है इस बार लुधियाना में? लुधियाना में एक तरफा बढ़ेंगे, एक तरफा मतलब बीजेपी कहीं टक्कर में नहीं? नो, चौथे पांचवें नंबर पे जाएगा बीजेपी। क्या कहेंगे? बीजेपी जीतेगी जी, बीजेपी। मतलब मोदी फैक्टर, राम मंदिर फैक्टर और कोई फैक्टर? मोदी फैक्टर है, मोदी ही आएगा सेंटर में, जो मर्जी कुछ कर ले। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी पहली पसंद है, सबसे पहली और आखिरी। जोगी, जोगी मोदी। क्या कहेंगे जी, क्या लग रहा है इस बार? नरेंद्र मोदी जी पीएम बनेंगे, मतलब प्रधानमंत्री के तौर पे वही पसंद है। नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे, बहुत काम किया है, नाम किया है, अच्छा दुनिया में हमारे हिंदुस्तान का नाम किया है, हमको राम मंदिर दिलाया है, हमको 10 लाख रुपया दिया है, 25 लाख नौकरी दी है, सफाई कराई है, सब कुछ कराया। अकेला पंजाब की बात मत करो, पूरे इंडिया की बात करो, पूरी दुनिया की बात करो। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नंबर वन है इस टाइम। मोदी के नाम से खुश हो या काम से खुश हो? के काम से खुश है, नाम से खुश है। काम से नाम हुआ भाई साहब, काम से नाम हुआ इसलिए खुश है। राम मंदिर की लहर यहाँ तक है? लहर तो है, बिल्कुल है। राम
यानी कि राम मंदिर, शहरों में राम मंदिर की पूरी लहर है, बाकी ये दो चार लोग बोलते हैं, बोलने दो दिन खुश हो जाएंगे, चार के बाद पता चल जाएगा। और भी लोगों से यहाँ पे बातचीत करते हैं हम, क्या लग रहा है, क्या माहौल है हरियाणा में इस बार, किसका माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, प्रासर साहब जिंदाबाद। कौन? आप पार्टी, आम आदमी पार्टी। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने काम किया अभी तक सरकार में? सरकार में ये मतलब अभी काम हुआ लुधियाना में? काम हो रहा है, काम हो रहा है। अच्छा, एक बात प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोलूं? प्रधानमंत्री जो है ना, वो हमारे पूरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं, ना कि गिने चुने स्टेटों के प्रधानमंत्री हैं। वो जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, इनके सलाहकार जो हैं वो गलत सलाह देते हैं, इनको बच के रहना चाहिए। अब पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। क्या लग रहा है इस बार लुधियाना में किसके बीच फाइट है? आपको मैंने पहले ही बोला कि राजा बड़िंग सीट लेके जाएगा लुधियाना की। राजा बड़िंग 101%। अच्छा, क्यों? काम के भरोसे पे और कोई भरोसे पे? नाम के काम के भरोसे पे भी है, पर नाम के भरोसे पे भी है। उसने काम किया ही है, पहले जब मिनिस्टर था काम किया है, मतलब काम किया उसने पहले भी, काम किया ट्रांसपोर्टेशन में जब मिनिस्टर था, उसने काम किया ही है। जो बड़े बसें नहीं, एक रूपए छः छः बसें चला रहे थे, उसने बंद की है ना, अकेले ने, उसमें दम था तभी उसने बंद की ना अपने दम पे, ऊपर कोई दबाव नहीं था उसके ऊपर, अभी कोई दबाव नहीं है, निडर आदमी है एकदम। अच्छा, और जो कांग्रेस से इस बार बीजेपी में शामिल हुए, वो क्या दो बार के वो भी तो सांसद हैं? दो बार जीतने के बाद भागा तो क्या, क्यों भागा? अगर उसने पैसा खाया तभी भागा ना वो, जब स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको पैसा दिया था तो वो पैसा कहाँ गया, इसे कोई पूछने वाला हिसाब नहीं है। जब इसने पैसा नहीं खर्च हुआ तो वो भाग गया उस तरफ, क्या मेरे ऊपर ईडी ना आ जाए? अच्छा, मतलब काम किया कि नहीं किया उन्होंने? काम कुछ नहीं किया, उसने कभी फोन नहीं उठाया आज तक किसी का। अच्छा, कभी भी उसने कहीं किसी में नजर आया किसी प्रोग्राम में उसका? और भी लोग हैं युवा हमारे साथ, क्या लग रहा है इस बार किसके बीच फाइट है लुधियाना में? ये लुधियाना और पंजाब की जनता डिपेंड करेगी, जनता पे डिपेंड करता है। आप किस मुद्दे पे वोट दोगे? डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, पंजाब की जनता ने कांग्रेस को भी देख लिया, आप आम आदमी पार्टी को भी देख लिया, अकाली और भाजपा थी जब उसको भी देख लिया, और आप सिचुएशन को देखते हुए यही लगता है कि अब सीधा बीजेपी को ही वोट जाएगी। अच्छा, किसकी सरकार में सबसे ज़्यादा काम हुआ? तीनों के आपने नाम गिनाया, अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है फिलहाल यहाँ पर, काम वाम हुआ यहाँ? काम वाम तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, सिचुएशन जो भी लुधियाना और पंजाब के हालात हैं, सिर्फ वही है बिजली बिल फ्री हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। बिजली बिल फ्री हुआ और वो कांग्रेस के टाइम पे लेडीज़ को बसेस टिकट फ्रीज थे, वो अब कंटिन्यू चल रहा है। अच्छा, बीजेपी का नाम लिया आपने, बीजेपी के नाम से खुश हो, काम से खुश हो? बीजेपी जो काम कर रही है पूरे देश में उससे खुश हो? हाँ, खुश है उससे, उसी को देखते हुए पंजाब के लोगों को देना चाहिए चांस एक बार बीजेपी को, तो इस बार बीजेपी। मोदी के नाम की लहर यहाँ पर भी है? यस यस यस। क्या यहीं के वोटर हैं आप? जी जी। क्या लग रहा है किस मुद्दे पर इस बार वोट डालेगी लुधियाना की जनता? महंगाई का मुद्दा और बेरोजगारी, मतलब महंगाई और बेरोजगारी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पिछली सरकारों में काम नहीं हुआ कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी कांग्रेस सरकार में पहले काम होते थे, जब से ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी आई है कोई काम नहीं हो रहा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का तो गठबंधन है बाकी राज्यों में, क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का तो बाकी राज्यों में गठबंधन है? देश के मुद्दे हैं, ये पंजाब का मुद्दा है। पंजाब का मुद्दा मतलब अलग है? हाँ जी बिल्कुल। मतलब इस बार कांग्रेस से भरोसा है? 100% 100% मतलब काम हुए? काम कांग्रेस के टाइम पे होते हैं, काम के टाइम पे होते हैं। अच्छा, पिछले तीन बार से तो कांग्रेस की संसदीय सीट है यहाँ पर, सभी हुआ यहाँ? सभी काम कांग्रेस के टाइम पे होते हैं, होते हैं काम? बिल्कुल बिल्कुल होते हैं जी। क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल है? मे भी अब देखते हैं, ये जनता पे ही है, डिपेंड करता है भी किसकी है सरकार। अच्छा, लुधियाना की जनता क्या सोच के वोट डालती है? लुधियाना की जनता यही कि यहाँ लुधियाना में एक तो कंजस्टेड एरिया है काफ़ी, यहाँ ट्रैफिक वगैरह काफ़ी है, पोल्यूशन ज़्यादा है यहाँ, और एक तो हेल्थ सिस्टम यहाँ थोड़ा सिविल हॉस्पिटल जैसे है, वहाँ का थोड़ा हेल्थ सिस्टम अभी तो थोड़ा ठीक हो रहा है, बट लुधियाना में हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा है। एजुकेशन के लिए कुछ खास है नहीं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ एजुकेशन और हेल्थ बोथ, तो वी एक्सपेक्ट कि कुछ इस पे काम हो, हेल्थ पे और एजुकेशन पे। अच्छा, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट में कांग्रेस की गवर्नमेंट में यहाँ कुछ काम हुआ? कुछ फ़र्क ये लगा कि यहाँ हाँ कुछ यूनिट्स बिजली के जो उसकी बेनिफिट मिले हैं लोगों को, दैट्स ग्रेट।
कुछ एजुकेशन वाइज भी अभी लग रहा है, कुछ स्कूल्स ऐसे मैंने देखे हैं और कुछ हेल्थ सेंटर देखे हैं ऐसे जो कांग्रेस के टाइम पे नहीं थे उस टाइम, कुछ है इम्प्रूवमेंट बट और ज़्यादा ज़रूरत है, और ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, बाकी जगह पर जैसे पूरे देश में मोदी के नाम की लहर चल रही है, हवा चल रही है, यहाँ पर पंजाब में भी मोदी का नाम है कुछ अभी तो? इसके पर लोग बातचीत करते हैं लोग मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, उनके काम को कुछ तो है, कुछ बात तो होती है कि कुछ हुआ है, बट अभी लेट्स सी कि जनता क्या करती है। हमारी यहाँ, हम तो लोकल, जो हम जहाँ पर रह रहे हैं लोकल, वहाँ के एरिए के ऊपर वोट करेंगे, बस यही है। कुल मिलाकर अगर बात करें हम तो यहाँ बीजेपी भी तगड़ी फाइट में नज़र आ रही है। अब देखना ये होगा कि 4 जून को किसके पक्ष में नतीजे आते हैं।